देखो अपन ने टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था हमने, ठीक है। ह्यूमन में टूथ कैसे होते हैं भाई, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट, ठीक है। अब आगे एक और होता है उसमें ब्यूनोडोंट। अब वो क्या होता है वो भी मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन अपन ने पोजीशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन अपन ने मैंने तुमको तुम लोगों को बताया था, एक बात बताई थी कि ह्यूमन के जो टूथ होते हैं वो होते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि उनका जो टूथ है, ह्यूमन टूथ जो है वो किसमें एम्बेडेड रहता है, बोनी सॉकेट में, ठीक है। एक सॉकेट होता है जिसके अंदर, जैसे ये एक सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर ये टूथ ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है। अगर टूथ की दो रूट है तो दो रूट ऐसे फंसी हुई है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फंसी हुई है। मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक सॉकेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही टूथ की रूट्स उसमें जाकर के एडजस्ट हो जाती हैं। तो ऐसे टूथ को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट टूथ, जो कि पूरा का पूरा बोनी सॉकेट के अंदर पैक्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट टूथ। तो इसके बारे में तो हमने डिस्कस भी किया था कि ये ह्यूमन में भी होता है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन की, वही उनकी पोजिशन कैसे कैसे होती है उसी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन का एक तो हमने पढ़ ही रखा है ये थीकोडोंट बेटा। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का एक ही हमने थीकोडोंट तो पढ़ा ही था कि थीकोडोंट क्या होता है, ठीक। थीकोडोंट और किस किस में होता है ये याद रखने वाली बात है। देखो मैमल्स में होता है थीकोडोंट, मैमल्स में जैसे हम लोग भी हैं भाई, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर तो होता ही है थीकोडोंट। डायनासोर्स के अंदर होता है थीकोडोंट, क्रोकोडाइल्स के अंदर भी थीकोडोंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम और बात करें जैसे एक्रोडोंट, तो एक्रोडोंट टूथ क्या होता है भाई, एक्रोडोंट टूथ में क्या होगा कि भाई जो टीथ है वो बिना सॉकेट का होता है, मतलब जो जॉ बोन होती है उस जॉ बोन की आउटग्रोथ मान लो वो होता है टीथ। डिफाइन कैसे करते हैं इसको, देखो इनके अभी मैं तुमको वो भी दिखाऊंगा, डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, इनकी इमेजेस भी दिखाऊंगा। ये जो सारी इमेजेस जो मैं तुमको दिखाता हूँ भाई, उसके लिए ये डिस्क्लेमर है कि ये सारी इमेजेस जो है गूगल से ही डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो अभी मैं तुमको वो इमेजेस भी दिखा दूंगा। इसमें क्या होगा कि भाई जो टूथ होता है वो एल्वियुलर रिज पे लगा हुआ होता है। एल्वियुलर रिज क्या होती है, माउथ के अंदर, देखो रिज का मतलब होता है उभार, ठीक है। छोटी छोटे उभार होते हैं जो, उनको हम बोलते हैं एल्वियुलर रिज। तो जॉ की जो एल्वियुलर रिज होती है उनके ऊपर टूथ लगा रहता है और उसमें कोई सॉकेट नहीं होता। मतलब जैसे सपोज ये जॉ बोन है, इस जॉ बोन के ऊपर ये ऐसे टूथ हो गया है, इसी हड्डी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया और ये इस तरीके से टूथ हो गया, मतलब यहाँ पर कोई सॉकेट तो नहीं है। अगर सॉकेट होता तो किस तरीके से होता टूथ, सपोज ये सॉकेट है, इस तरीके से ये सॉकेट है, अब इसमें टूथ किस तरीके से लगा होता, इस तरीके से टूथ लगा होता भाई, ऐसा टूथ होता। तो ये तो होता थीकोडोंट, पर ये क्या है भाई, एक्रोडोंट। आया समझ में? अच्छा, एक्रोडोंट टूथ किस किस में होते हैं भाई, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, इन सब के अंदर कैसे आते हैं, एक्रोडोंट टूथ। समझ में आया, बोलो भाई यहां तक समझ में आया, एक्रोडोंट समझ पाए या नहीं समझ पाए भाई, एग्जाम्पल्स तुमको याद करने पड़ेंगे, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। समझ में आया, चैट में बोलो यस और नो। ओके आज तक क्या समझ में नहीं आया, आज तक क्या समझ में नहीं आया? अच्छा तो ठीक है, आज तक एक बार रुक तू, पुराने लेक्चर्स लेने पड़ेंगे तेरे को, और ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एक बार ये टूथ टूथ हो जाने दे, टूथ अभी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, टूथ के बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वहां से समझने की कोशिश करना, वहां से समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है आस्था, ओके ठीक है। तो ये एक्रोडोंट टूथ, थीकोडोंट टूथ, उसके बाद हम बात करते हैं प्लूरोडोंट टूथ। प्लूरोडोंट टूथ क्या होते हैं, प्लूरोडोंट टूथ का मतलब है जो लेटरल साइड में जॉ के, जैसे ये अपना जॉ है अंदर, जॉ की लेटरल साइड मतलब ये वाली साइड होती है जॉ के अंदर की, ये जो साइड है उनको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल साइड, लेटरल 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 इस चीज को बोलते हैं, इस पोजीशन को लेटरल बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉर्सल,
हाँ, और इसको सॉरी इसको बोलते हैं वेंट्रल और इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, और ये हो गई लिटरल सरफेस। ये जो अपनी पूरी जो सरफेस है इस सबको क्या बोलते हैं? लिटरल। इसको डॉर्सल, पीछे वाली सरफेस यहाँ पे अपना बैकबोन है, और आगे वाली सरफेस यहाँ अपना फेस है और ये सारे ऑर्गन्स हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? डॉर्सल, वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो लेटरल सरफेस मतलब साइड में, लेटरल मतलब होता है साइड में, तो साइड में जो टूथ फिक्स रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट टूथ बोलते हैं। ठीक है, जॉ की साइड में जो टूथ फिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्लूरोडोंट टूथ। जैसे स्नेक के जो फैंग्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो दांत होते हैं स्नेक्स के, ऐसे बड़े बड़े दांत देखे स्नेक्स के, उसको अपन क्या, वो क्या, वो कैसे टीथ है भाई? प्लूरोडोंट टूथ। ठीक है, प्लूरोडोंट टीथ है। समझ में आया? तो इसमें देखो इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद करना है कि एक्रोडॉन टूथ कैसे होते हैं, कि भाई हड्डी जो है जॉ बोन भाई एक्सटेंड हो जाती है, ग्रोथ आउटग्रोथ हो जाती है और वही क्या बना लेती है? टूथ बना लेती है। प्लूरोडॉन टूथ क्या होते हैं कि लेटरल सर्फेस पे, जॉ बोन की लेटरल सर्फेस पे जब टीथ लगे हों, ऐसे 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 टीथ लगे हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्लूरोडॉन टूथ, है ना। एग्जाम्पल फैंग्स ऑफ स्नेक। इसमें थीकोडॉन टूथ क्या होते हैं? जैसे हमारे दांत हैं, कि हर टूथ के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है अपने जॉ में, अपनी जॉ बोन में एक पर्टिकुलर ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं सॉकेट। ठीक है, अपनी जॉ बोन में ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको हम सॉकेट बोलते हैं, उन सॉकेट में जाकर के वो टूथ फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अपना प्लग फिक्स होता है सॉकेट में जाकर के, उसी तरीके से अपने टूथ भी अपनी जॉ बोन के सॉकेट में जाकर के फिक्स हो जाते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, डायनासोर्स और मैमल्स। ठीक, अब तुम्हें याद ये रखना है यहाँ पर कि ह्यूमन में टूथ कैसे होते हैं। डाइफायोडोंट, ठीक है, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट, और एक चीज और होती है ब्यूनोडोंट। ये चीज याद रखनी है। ह्यूमन में कैसे टीथ होंगे भाई? डाइफायोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और ब्यूनोडोंट। ठीक है, अब डाइफायोडोंट हमने पढ़ लिया, थीकोडोंट हमने पढ़ लिया, हेट्रोडोंट भी हमने पढ़ लिया, ये ब्यूनोडोंट क्या होता है, बस ये एक समस्या वाली बात है। चलो ब्यूनोडोंट भी देख लेते हैं भाई, ब्यूनोडोंट क्या होता है। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम देख लो भाई, उसकी इमेज देख लो। देखो एक्रोडोंट, एक्रोडोंट में मैंने क्या बताया भाई तुमको, एक्रोडोंट में बताया था भाई, ये देखो ये जॉ बोन है, जो बोन पे इस तरीके से टूथ निकल के आ गया, कोई वो नहीं है यहाँ पे, कोई सॉकेट वॉकेट नहीं बना हुआ है, बस जो बोन पे ऐसे टूथ हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट टूथ। ठीक है, प्लूरोडोंट टूथ मैंने क्या बताया था भाई? साइड में, जैसे ये जो है जो की लेटरल साइड में आ गया दांत, ठीक है, ऊपर नहीं एकदम साइड में जो दांत लगे हुए उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट। और देखो इस तरीके से अगर ये जो बोन है, जो बोन के अंदर कलर दूसरा ले लेता हूँ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हाईलाइटर ले लिया। जैसे ये जॉ बोन है भाई, इस जॉ बोन के अंदर देखो, जॉ बोन के अंदर ये क्या है? सॉकेट बना हुआ है, इस सॉकेट में आकर के टूथ फिक्स हो गया। ये सिंगल रूट है, केवल एक रूट है, ये यहाँ पे दो रूट है। तो इस तरीके से जॉ बोन के अंदर ये बना हुआ है सॉकेट, और इन सॉकेट में आकर के दांत जब फिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। ठीक है, इतना याद रखना है तुमको। चलो आगे देखते हैं। एनेमल का जो स्ट्रक्चर होता है और डेंटीन का जो अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बस तुमको एग्जांपल याद रखने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्यूनोडोंट की। तो ब्यूनोडोंट टूथ कैसा होता है? जैसे ह्यूमन में होता है, ठीक है, ह्यूमन में टूथ होता है, जैसे अपने दांत देखोगे तो अपने दांत ऐसे ई करके देखोगे तो इसमें कस्प बने हुए हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे यू करके कस्प बने हुए हैं। कस्प मतलब गैप, आगे की तरफ देखोगे ना, ये टच करके देखोगे तो तुम्हें एक स्मूथ नहीं दिखेगा, ये टच ऐसे करके टच करोगे तो तुमको उसमें छोटे छोटे गैप्स नजर आएंगे, गैप्स फील होंगे, उन्हीं गैप्स को अपन क्या बोलते हैं? उन्हीं गैप वाले टूथ को अपन बोलते हैं ब्यूनोडोंट टूथ। ठीक है, इसका एग्जांपल है ह्यूमन। लोफोडोंट एलिफेंट्स में होते हैं लोफोडोंट टूथ। एग्जांपल याद रखने हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। लोफोडोंट किसमें होते हैं? एलिफेंट्स में होते हैं।
सेलिनोडोंट किस में होते हैं भाई, शीप और कैटल में, ठीक है, क्रिशेंट शेप, क्रिशेंट मतलब वो जो क्रॉस होता है ना, क्रिश्चियन वाला जो क्रॉस होता है इस तरीके से, ऐसे करके वो क्रिश्चियन वाला जो क्रॉस होता है ऐसे करके होता है ना, ठीक है, उस शेप में जो कस्प होते हैं वो कस्प किस में होते हैं भाई, शीप और कैटल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सेलिनोडोंट शीप और कैटल के अंदर, सीकोडोंट मतलब पॉइंटेड, ठीक है, पॉइंटेड मतलब चीर फाड़ के जो काम आते हैं ज्यादातर, वो किसमें होते हैं भाई, कार्निवोरस। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, ग्यूनोडोंट का तो भाई ह्यूमन है ही एग्जाम्पल, ठीक है। लोफोडोंट एलिफेंट में होंगे, सेलिनोडोंट शीप और कैटल में होंगे, और सीकोडोंट किसमें होंगे, कार्निवोरस में। तो देखो ब्यूनोडोंट का एग्जाम्पल ह्यूमन है तो आसानी से याद हो जाएगा, लोफोडोंट का एलिफेंट से ये भी आसानी से याद कर सकते हो, सेलिनोडोंट का मैंने बताया कि भाई क्रीसेंट से, क्रीसेंट मतलब वो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में जो होते हैं, सीप और कैटल में होते हैं, सीकोडोंट मतलब पॉइंटेड कस्प होता है, मतलब बहुत ज्यादा पहने पहने दांत होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प टीथ होते हैं, शार्प टीथ किसके अंदर होंगे, जो कि बहुत ज्यादा फ्लैश ईटिंग करते हैं, ठीक है, फ्लैश ईटिंग जो करते हैं उनके अंदर होंगे शार्प टीथ, तो वो होते हैं कार्निवोरस। याद हो जाएगा ये, बोलो जल्दी से, से यस और नो, ओके, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पर अपना टूथ जो है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ और क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ, ये यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद आस्था आप ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक जो है चालू हो रहा है, फ्लैश ईटिंग मतलब जो दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं, ठीक है, कच्चा गोश्त खाते हैं, कच्चा मांस जो खाते हैं उसको बोलते हैं फ्लैश ईटिंग, फ्लैश मतलब मांस होता है। कार्निवोरस जो करते हैं ना फ्लैश ईटिंग, शिकार करके खाते हैं, जैसे लाइन टाइगर वगैरह, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टंग की, ठीक है। देखो तुम लोगों को सबको पता है भाई टंग क्या है भाई, 1.5 इंच की ये जुबान होती है, बिना हड्डी की होती है, इसलिए कोई भी चला देता है, ठीक है। टंग क्या होता है भाई, एक मॉस्कुलर ऑर्गन है मुंह के अंदर, वर्टिब्रेट्स में मिलता है ये, ठीक है, जो कि फूड को मैस्टिकेशन करने में काम करता है, उसकी च्यूइंग में हेल्प करता है, और उसको निगलने में, उसकी सेलोइंग में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा, च्यूइंग में हेल्प करेगा, और सेलोइंग में हेल्प करेगा, ठीक है। जब हम खाना जो है चबाते हैं, अब तो बोलोगे भाई च्यूइंग में कैसे करेगा भाई, वो तो दांत करते हैं भाई, खाना जब हम चबाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही साइड से बस चबाते जा रहे हैं, खाना इधर उधर किसकी हेल्प से जाता है भाई, टंग की हेल्प से आता है, कभी इस जो के नीचे, 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 है ना, टंग उसको इधर उधर करने का काम करती है, जिसकी वजह से खाना जो है प्रॉपर ग्राइंड हो पाता है अपने मुंह के अंदर, ठीक है। मैस्टिकेशन का मतलब वही होता है चबाना, ठीक है, च्यूइंग या मैस्टिकेशन एक ही बात है ना, च्यूइंग का रिजल्ट है मैस्टिकेशन, मतलब जब हम खाना चबाते हैं तो वो मैस्टिकेट हो जाता है, मैस्टिकेट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग में भी हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है कि भाई विद द हेल्प ऑफ टंग सलाइवा की मिक्सिंग होती है फूड के अंदर, जब वो फूड को इधर उधर टंग ग्राइंड करती है तो उसके अंदर क्या होती है, सलाइवा की मिक्स हो जाती है, तो सलाइवा के मिक्स होने से, सलाइवा और म्यूकस के मिक्स होने से फूड जो है स्मूथ हो जाता है और उसको आसानी से अपन निगल पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी भाई टंग की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फ्रेनुलम, क्या कोई जानता है फ्रेनुलम क्या होता है, क्या कोई जानता है भाई फ्रेनुलम क्या होता है, व्हाट इज फ्रेनुलम, क्या कोई मुझे बता सकता है फ्रेनुलम क्या होता है। देखो मैं बताऊंगा तुम सब समझ जाओगे, अभी क्या करना, लेक्चर के बाद शीशे के सामने खड़े होना और इस तरीके से अपनी जीभ ऊपर करके देखना है, पलट करके अंदर की तरफ, ठीक है। जब अंदर की तरफ पलट करके देखोगे तो नीचे जीभ जो है, अपनी जो जीभ होती है, अपनी जो टंग होती है, वो फ्लोर बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक पतली सी झिल्ली जैसी, एक मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, पतली सी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, एक पतली सी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर से अटैच रहती है, उसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। दरअसल वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, म्यूकस की बनी हुई मेम्ब्रेन है, उसी म्यूकस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। फ्रेनुलम समझ पाए आस्था, ये तो समझ में आ रहा है ना, वेयर इज आस्था, हाँ ये चीज समझ में आ रही है ना, हाँ ये समझ, बाकी अभी तक अपन ने टूथ पढ़ा है तो टूथ फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास में या फिर है ना, तो पहले नोट्स वगैरह पढ़ना, वीडियो लेक्चर लेकर के देख लेना, वहां से भी समझ में आ जाएगा,
ठीक है। तो फ्रेनुलम क्या है भाई, अपनी जीव जो नीचे की साइड जो अटैच रहती है, एक पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फ्रेनुलम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन टर्मिनल सल्कस या टर्मिनल सल्कस या सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, तो अपनी जीभ पर पीछे की तरफ एक वी शेप्ड ग्रूव होता है, इन्वर्टेड वी शेप, इस तरीके से इन्वर्टेड वी शेप मतलब ऐसे उल्टा वी, इस तरीके का एक ग्रूव होता है पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ जहां टंग अटैच है, उस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस या टर्मिनल सल्कस। ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस को अटैच कर, फेरिंग्स के साथ अटैच करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, पीछे की तरफ टंग को अटैच करने का काम करता है, और फेरिंग्स और टंग के बीच में यही एक बाउंड्री मानो तो एक तरीके का बॉर्डर का काम करता है, कि फेरिंग्स से टंग को सेपरेट करने का काम ये कर रहा है। ठीक है, फेरिंजियल सरफेस से, फेरिंग्स क्या होता है वो भी बताऊंगा, है ना। अभी एक चीज समझो कि पीछे की तरफ जो वी शेप स्ट्रक्चर जो होता है, इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर जो होता है अपने माउथ के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सल्कस टर्मिनलिस या टर्मिनल सल्कस बोलते हैं। क्लियर है, टर्मिनल सल्कस समझ में आया नहीं आया, देखो रुको अभी समझ में आ जाएगा, अगर किसी को नहीं आया तो रुको। ये देखो, ये जो तुमको वी शेप स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सल्कस या सल्कस टर्मिनलिस। ये रहा, ये देखो, ठीक है, ये जो वी शेप स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, इस वी शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस या टर्मिनल सल्कस। अब तो समझ गए, बोलो जल्दी से, अब तो समझ गए सारे, जल्दी आना बोल दो। देखो चैट में यस नो भेजते रहा करो। देखो इनमें हार्ड कुछ भी नहीं है, दो बार तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तुम लोग नीट देने आए हो और आगे जाके डॉक्टर बनोगे तो भाई ये तो बहुत भी, ये तो कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो सल्कस टर्मिनलिस में बताता हूं तुमको कैसे याद होगा, फ्रेनुलम तो याद रख सकते हो, देखो नाम जो है वो तो है, नाम को तो अपन चेंज कर नहीं सकते। सल्कस टर्मिनलिस को ऐसे याद कर सकते हो कि भाई सल्कस तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ये सल्कस वर्ड तो। टर्मिनलिस का मतलब होता है टर्मिनल पार्ट, तो अपनी जीभ का पीछे की तरफ जो लास्ट पार्ट है, टर्मिनल मतलब एंड, अपनी जीभ का पीछे की तरफ जो लास्ट वाला, टर्मिनल मतलब लास्ट वाला सिरा, अंतिम सिरा जो होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, जो सिरा होता है अंतिम उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, अब याद रख सकते हो लास्ट वाला जो सिरा है वो हो गया टर्मिनल, और उस टर्मिनल पार्ट को, जीभ के पीछे की तरफ के टर्मिनल पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, सल्कस टर्मिनलिस। इस तरीके से याद रखना, ठीक है, दो या तीन बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी नेम है ये भाई, फ्रेनुलम तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, दो तीन बार पढ़ोगे तो ये अपने आप याद होते चले जाएंगे। चीजों को मतलब देखो, ये जो चीजें अपन समझ रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीजें अपने बॉडी पार्ट्स की बात है, अगर तुम उन बॉडी पार्ट्स को देख पाओगे, समझ पाओगे तो बड़ी मतलब बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे ये नाम। चलो आगे देखते हैं। देखो इसके बाद हम बात करते हैं लिंगुअल पैपिली। अब देखो लिंगुअल का मतलब क्या होता है, लिंगुअल का मतलब होता है टंग। ठीक है, लैंग्वेज जो टर्म है, लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा का नाम लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलते हैं भाषा को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी जो जीव है वो जीव अपनी भाषा को बनाने में मदद करती है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, तो लिंगुअल मतलब, लिंगुअल कहीं भी टर्म आएगा तो उसका मतलब है भाई किससे, जीव से है, अपनी टंग से है। जैसे लिंग्विस्ट होते हैं, लिंग्विस्ट मतलब जो अलग अलग भाषाओं को पढ़ते हैं, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उनको हम बोलते हैं लिंग्विस्ट। ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं भाई, लिंग्विस्ट। तो जहां पर भी लिंगुअल टर्म आ रहा है उसका मतलब है डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है, वो टंग से डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो क्यों बोल पाते हैं हम भाई, क्योंकि हमारी जीव है, अगर जीव नहीं होगी, अगर जीव को काट दिया जाए तो हम बोल नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, गोलमाल के तुषार कपूर बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखो लिंगुअल पैपिली। अब ये पैपिली क्या होते हैं, तो अभी एक काम करना, लेक्चर के बाद वही शीशे के सामने खड़ा होना है और अपनी जीव ऐसे निकाल करके देखना, और बहुत पास से देखना,
तो अपनी जीभ जब निकाल के देखोगे तो उसमें छोटे 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 छेद जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखेंगे, छोटे छोटे छेद जैसे ही ऐसे करके उभार देखेंगे, छेद क्या देखेंगे, उभार देखेंगे ऐसे। देखे हैं किसी ने कभी जीव को क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो? देखे हैं किसी ने? ये बोलो जल्दी से, देखे हैं? हाँ, खुद की में नहीं देखे होंगे तो भाई किसी के यहाँ पेट होगा, डॉग होगा, डॉग की में देखे। डॉग तो हमेशा जीव निकाल के रहता है, कुत्ता तो हमेशा जीव निकाल के बैठा रहता है, ठीक है। और वो भी नहीं देखे होंगे तो गाय होती है, गाय के में तो बहुत क्लीन दिखते हैं, बहुत क्लियर दिखते हैं गाय भैंस के में तो, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोट्यूबरेंसेस होते हैं, उभार, प्रोट्यूबरेंस मतलब होता है उभार, ये छोटे छोटे जो उभार होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं पैपिली। इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई? पैपिली, ठीक है, समझ में आया? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? पैपिली। अब ये पैपिली जो है चार तरीके की होती है, चार तरीके की मेनली ये पैपिली होती है, ठीक। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फॉलिएट और सर्कमवेलेट, ठीक है। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फॉलिएट एंड सर्कमवेलेट, ये चार तरीके की पैपिली होती है, ठीक। फिलीफॉर्म पैपिली क्या होती है भाई? फिलीफॉर्म पैपिली, पैपिली तो वही है, बस इनके नाम अलग अलग दे दिए हमने, ठीक है। पैपिली तो वही है, बस इनके साइज के बेसिस पर और इनकी पोजीशन के बेसिस पर कि भाई वो कहाँ है, किस एरिया में है, टंग के किस एरिया में, उनका साइज क्या है, उनमें टेस्ट बड है या नहीं है, इन तीन चीजों के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिए गए। पैपिली तो वही है, वो ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोट्यूबरेंसेस तुम देख रहे हो अपनी जीभ में, वही है पैपिली, ठीक है। अब इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया, इनकी जो ये जो चार नाम दिए गए वो किसके किस बेसिस पे, इनके साइज के बेसिस पे, टेस्ट बड है या नहीं है और जीभ में कहां कहां प्रेजेंट है, ठीक है, उस बेसिस पर इनको अलग अलग नाम दिए। तो सबसे पहला आता है अपना फिलीफॉर्म पैपिली, सबसे छोटी पैपिली होती है और सबसे ज्यादा एबंडेंट, मतलब पूरी जीभ पे हर जगह मिलेंगी ये, ठीक है, पूरी जीभ पे हर जगह मिलेंगी, सबसे स्मॉल है, सबसे ज्यादा एबंडेंट है ये, ठीक है। और इनके अंदर कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते, ये किसी भी टेस्ट को फील नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे कि सर जीभ में कहीं भी अगर अपन कुछ रखें तो हमें टेस्ट तो आता है, बिल्कुल आता है, उसके लिए दूसरी टेस्ट, दूसरी पैपिली रेस्पॉन्सिबल है जिनके अंदर टेस्ट बड्स होती है, इनके अंदर कोई भी टेस्ट बड नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई पैपिली, ये सारी पैपिली एक दूसरे के आसपास ही होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह सपोज टिप ऑफ द टंग पे में से कोई एक पैपिली है, उसके पीछे कोई दूसरी, ऐसा नहीं है, ओवरलैप किए हुए एक दूसरे के आसपास ही सारी पैपिली पड़ी रहती है। तो सबसे पहली पैपिली है फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है, सबसे ज्यादा एबंडेंट भी यही है, सबसे ज्यादा छोटी भी यही है, पूरी जीव को सब कवर करके रखती है ये, और दूसरी चीज इनमें कोई भी टेस्ट बड नहीं होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फंजीफॉर्म पैपिली की। फंजीफॉर्म पैपिली क्या होती है? ये जनरली अपन जब ऐसे जीव निकाल करके देखते हैं तो अपने को जो रेड रेड कलर के प्रोट्यूबरेंसेस नजर आते हैं, लाल लाल कलर के जो उभार नजर आते हैं, वो जो उभार होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिली, रेड कलर की दिखती है, ठीक है, ये क्या है, रेड कलर की दिखती है, और ये जो है टिप ऑफ टंग पे, ज्यादातर टिप ऑफ टंग पे पाई जाती है। ऐसे करके देखोगे ना तो आगे टिप ऑफ टंग पे जो तुमको पैपिली दिख रही है वो कौन सी पैपिली है? फंजीफॉर्म पैपिली, टिप ऑफ टंग पे मिलेंगी और क्या है वो? फंजीफॉर्म पैपिली, ठीक है। इनके अंदर टेस्ट बड्स भी होती है भाई, इनके अंदर तो टेस्ट बड नहीं थी, इनके अंदर टेस्ट बड भी होती है, तो ये याद रखना पड़ेगा भाई, कौन सी पैपिली में टेस्ट बड नहीं होती भाई? फिलीफॉर्म पैपिली में, ठीक। टिप ऑफ द टंग पे कौन सी पैपिली होती है भाई? फंजीफॉर्म पैपिली होती है भाई। देखो तुम लोगों को नीट देना है तो इसलिए थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, अगर तुम नीट वाले नहीं होते तो मैं इतना डेप्थ में तुमको लेकर के नहीं जाता, पैपिली की केवल डेफिनेशन समझाता और ये सब हटा देता, ठीक है, ये सब मैं ओमिट कर देता। अगली देखो फोलिएट पैपिली, फोलिएट पैपिली देखो इनके डायग्राम दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगली क्या है? फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली कहाँ होती है? टंग की साइड पे, इधर भी और इधर भी, जैसे ये टंग है तो इस साइड भी और इस साइड भी, टंग की दोनों साइड जो पैपिली प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? फोलिएट पैपिली। अब तुमको जानकर के ये बड़ी खुशी होगी कि मैन में, इंसानों में ये एब्सेंट होती है, फोलिएट पैपिली इंसानों के अंदर नहीं होती, ठीक है। आगे देखो सरकम वैलिड पैपिली, सरकम वैलिड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्किल जैसी होती है, ऐसे गोल गोल,
सरकम वैलेट भी बोलते हैं और वैलेट भी बोलते हैं इनको, सर्किल जैसी गोल 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 होती है, इसलिए इनको सरकम वैलेट या वैलेट पेपिली बोलते हैं। ह्यूमन में ये 8 से लेकर 12 होते हैं इनका नंबर, ठीक है। और ये कहां पर सिचुएटेड रहती हैं, जहां अपना सल्कस टर्मिनलिस था ना उसके पास में ये सिचुएटेड रहती हैं। मतलब अगर जैसे अपना ये सल्कस टर्मिनलिस था तो सल्कस टर्मिनलिस पे इस तरीके से ये सिचुएटेड रहती है, 8 से 12 इस तरीके से ये सिचुएटेड रहती है। अभी डायग्राम में भी दिखा दूंगा, सबसे बड़ी पेपिली भी यही, इनमें टेस्ट बर्ड भी होती है और सबसे बड़ा साइज भी इन्हीं का। तो सरकम वैलेट के बारे में याद रखने वाली क्या बात है कि 8 से लेकर 12 इनका नंबर होता है, सल्कस टर्मिनलिस पर ही सिचुएटेड रहती है ये, टेस्ट बर्ड होते हैं इनमें और सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। देखो इसका डायग्राम देखो, फिर बताना समझ में आया या नहीं आया। ये देखो डायग्राम, देखो सबसे पहले मैं बताऊं फंजी फॉर्म पे, सबसे पहले अपना क्या था भाई, फिलीफॉर्म पेपिली। तो फिलीफॉर्म पेपिली तो सब जगह प्रेजेंट है, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर में तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है ये व्हाइट कलर में, जूम नहीं होगा यार ये, नहीं तो मैं जूम करके दिखा देता था। ये व्हाइट व्हाइट कलर में दिख रही है तुमको, से यस और नो, व्हाइट व्हाइट कलर में देख पा रहे हो छेद छेद छोटे छोटे, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर में छेद दिख रहे हैं ये सारे क्या है, फिलीफॉर्म पेपिली। फंजी फॉर्म पेपिली कहा है, देखो ये टिप ऑफ द टंग पे आगे की तरफ, ये जो टिप ऑफ द टंग पे जो पेपिली प्रेजेंट है, देखो आगे की तरफ ये टिप ऑफ द टंग पे जो प्रेजेंट है, एक मिनट, वेट, आप पता नहीं क्या हुआ ये, देखो ये जो तुमको दिख रहा है आगे की तरफ ये पोर्शन, यहां पर जो पेपिली, तो यहां पे जो भी पेपिली हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, फंजी फॉर्म पेपिली। टिप ऑफ द टंग पे होती हैं ये और टेस्ट बर्ड भी होती है इनके अंदर। तो फिलीफॉर्म पेपिली, फंजी फॉर्म पेपिली, उसके बाद ये देखो फोलिएट पेपिली, ये साइड में जो है ये हमारे अंदर नहीं होती, जानवरों में कैटल्स में मिलती है, ये हमारे अंदर नहीं होती। उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो गोल गोल, ये देखो ये पर्पल कलर में ये गोल गोल जो देख रहे हो, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 8 से 12 होती हैं, इन्हीं को हम वैलिड बोलते हैं या सर्कम वैलिड पेपिली बोलते हैं। गोल गोल होती है ये, और ये क्या है अपना भाई, सल्कस टर्मिनलिस। अच्छा सर्कस टर्मिनल, सल्कस टर्मिनलिस पे जो सिचुएटेड है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं भाई, सर्कम वैलिड या वैलिड पेपिली, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन, ये ऊपर सल्कस टर्मिनलिस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। सल्कस टर्मिनलिस के एपेक्स पे जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन सीकम, ठीक है। अगर नहीं भी याद रखे रख पाओ तो कोई बात नहीं है, फोरामेन सीकम छोड़ देना। सल्कस टर्मिनलिस याद रखना, पेपिली के टाइप से याद रखना, ठीक है, समझ गए। अब बोलो समझ में आया या नहीं आया, यहां तक बताओ सभी लोग, समझ में आया या नहीं आया। आज जो नई कौन आस्था जुड़ी थी, नहीं आस्था समझ में आया, किसी को यहां तक कोई क्वेरी है, कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो। किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, यहां तक कोई क्वेरी है, क्लियर है सभी को भाई। देखो ये नाम तुमने पहली बार देखे इसलिए हो सकता है, जैसे वैलेट, फोलिएट, फंजी फॉर्म, फिली फॉर्म, ये थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर 3-4 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। सल्कस टर्मिनलिस मैंने तुमको बता दिया किस तरीके से याद करना है। आज तक ये कोई रीजन नहीं होता कि भाई फॉलिएट पेपिली, इसका कोई रीजन नहीं है कि भाई फॉलिएट पेपिली इज एब्सेंट इन मैन, नहीं है तो नहीं है भाई, ऊपर वाले ने नहीं बनाई। उनकी आवश्यकता नहीं है भाई, इसलिए नहीं है। चलो आगे बढ़े,
अब अपन बात करते हैं टेस्ट बर्ड की। तो देखो टेस्ट बर्ड क्या होती है भाई, जिनकी वजह से हमको टेस्ट फील होता है। पैपिली और टेस्ट बर्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। पैपिली के अंदर टेस्ट बर्ड होती है, पैपिली टेस्ट बर्ड नहीं होती। जनरली ये कंफ्यूजन रहता है। पैपिली के अंदर टेस्ट बर्ड होती है। तो हर टेस्ट का अपनी अपनी जो टंग है, अपनी टंग पर हर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, एरिया के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पर एक पर्टिकुलर टेस्ट की टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम कुछ सॉल्टी खा रहे हो, अगर सॉल्टी तुम खा रहे हो और वो सॉल्टी अगर तुम्हारी टिप ऑफ द टंग पर लगे, सॉरी टिप ऑफ द टंग पर नहीं, साइड में लगेगा, टिप ऑफ द टंग से लेकर के साइड में लगेगा, तो तुमको सबसे ज्यादा सॉल्टी फीलिंग उधर ही आएगी। अगर तुम सपोज कुछ मीठा खा रहे हो, तो मीठा अगर देखो ये वाला जो पोर्शन है वो मीठे के लिए, ये जो पोर्शन है ये पूरा, इस पूरे पोर्शन में अपने को मीठा 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 ज्यादा फील होगा। अगर तुम इस पोर्शन से मीठा खा रहे हो तो तुमको मीठा ज्यादा फील होगा। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं और, जैसे मीठा अगर तुम अंदर की तरफ रख करके खा लोगे, जैसे एक तुमने कोई मीठी गोली ली, उस गोली को तुमने ऐसे करके अंदर की तरफ रख लिया अगर, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मीठा टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पर मीठे के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट वर्ड है, तो अगर तुम इधर रखोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हें मीठा फील होगा। समझे बात को? तो स्वीट के लिए टिप ऑफ द टंग वाला जो एरिया है वो होता है, सॉल्टी के लिए साइड वाला एरिया, साइड ऑफ द टंग और टिप ऑफ द टंग दोनों ही, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये सॉल्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम बात करें सोर की। अब जैसे हम सोर टेस्ट की बात करें, सोर मतलब खट्टा। ठीक है, खट्टा टेस्ट का वो कहां पर आएगा, जो लेटरल साइड ऑफ टंग है हमारी, ये वाली, ये जो लेटरल साइड ऑफ टंग है, इन लेटरल साइड ऑफ टंग में सबसे ज्यादा हमको खट्टा टेस्ट आता है। ठीक है, समझ में आया, इन दोनों साइड में हमको सबसे ज्यादा खट्टा टेस्ट आएगा। ठीक है, बिटर टेस्ट किधर आता है भाई, बिटर टेस्ट टंग के सबसे पीछे वाले पोर्शन में हमको बिटर टेस्ट आता है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें सारा मिला जुला टेस्ट आता है हमको, खट्टे का भी टेस्ट आएगा यहाँ पे, स्वीट का भी टेस्ट आएगा यहाँ पे, सॉल्टी का भी टेस्ट आएगा, सारे टेस्ट आएंगे, है ना। एक मिनट, ठीक है, समझ में आया भाई। अब देखो तुम एक चीज देखो, जैसे हमको कभी दवाई खानी होती है तो हम कहाँ रखते हैं, जीभ के सबसे अंदर वाले पोर्शन पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा कड़वा। ठीक है, रखते हो, सभी लोग रखते हो, ठीक रखते हो कि नहीं रखते हो। हम सारे टेस्ट गलत जगह से लेने की कोशिश करते हैं, है ना। गुलाब जामुन खाते हैं तो टंग के बीचों बीच रख देते हैं, रखते हैं केवल एक ही चीज जो सबसे ज्यादा जो लड़कियों को पसंद होती है, गोलगप्पा, वो सही जगह जाकर के फूटता है, टंग के बीचों बीच रखते हो और वहां पर चबाते हो उसको, तो साइड साइड में दोनों साइड में लगता है, बस उसका टेस्ट तुम सबसे सही लेते हो, बाकी सारी चीजें गलत जगह पर रखते हो हमेशा। ठीक है, बिटर को बिटर तो मतलब टैबलेट को तो और भी ज्यादा, मतलब वो और ज्यादा बिटर लगे, ऐसी जगह पर रखते हो। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट करूंगा, तुम उससे डायरेक्टली बात करके भी पूछ सकते हो। तुम जरूरी नहीं तुम चैट में ही टाइप करो, सारी चीजें टाइप करने में दिक्कत होती है। अगर कोई हमारी क्वेरी है तो मैं यहां से अनम्यूट कर दूंगा तुमको, रेज योर हैंड, मैं यहां से अनम्यूट कर दूंगा। नहीं है, आगे बढ़े। देखो अपने पास एक मिनट से भी कम टाइम है, रिज्वाइन करना है, सभी को रिज्वाइन करना है सेम लिंक से। ठीक है, सेम लिंक से सभी लोग रिज्वाइन करेंगे। पक्का अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं है, सेम लिंक से दो मिनट के अंदर अंदर सारे लोग रिज्वाइन करेंगे।
ठीक है, तो ये हमने यहां तक हमने पढ़ा था टेस्ट वर्ड के बारे में, ठीक है। अब इस टेस्ट वर्ड का जो डायग्राम होता है, किस तरीके का डायग्राम तुमको बनाना है वो और मैं बताऊंगा। अभी अपना लेक्चर खत्म होने वाला है, रीज्वाइन करेंगे सभी लोग, उसमें मैं बताऊंगा कि टेस्ट वर्ड का डायग्राम तुम कैसे बनाओगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे टेस्ट। ठीक है,